आपने अपने घर के आसपास कई बुजुर्ग देखे होंगे। जब हम अपनी उम्र की बात करते हैं तो 100 साल की उम्र सबसे ज़्यादा मानी जाती है। आजकल की पीढ़ी तो 70 साल तक आते आते ही दम तोड़ देती है। ऐसे में अगर आपको ये बताया जाए कि एक बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो 181 साल से जीवित हैं और सदियों से बेसब्री से अपने मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मौत इनके घर का रास्ता भूल गई है। वाराणसी में रहने वाले माष्टा मुराशी नाम के ये बुजुर्ग अपनी मौत की रात देख रहे हैं। अपनी ज़िंदगी से वो इतना तंग आ चुके हैं कि दिन भर बस मौत को ही याद करते रहते हैं। इनका कहना है कि मौत इनके घर का रास्ता भूल चुकी है। इस बुजुर्ग का जन्म 1853 में कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। तब से वो वहीं पर रह रहे थे, लेकिन सन 1903 में वाराणसी में हमेशा के लिए आकर बस गए। मास्टर बताते हैं कि उन्होंने 122 साल तक अपना पेट पालने के लिए मौची के तौर पर काम किया और 1957 में उन्होंने वो काम बंद कर दिया। कुछ लोग तो इनकी उम्र को अभिशाप तो कुछ लोग कुदरत का करिश्मा मानते हैं। मास्टर की उम्र महज एक पहेली बनकर रह गई है। कई डॉक्टर्स ने उनकी सही उम्र पता करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम ही रह गए। सरकारी कर्मचारियों ने भी उनके जन्म को लेकर प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश की, पर उनकी सही आयु का पता नहीं लगाया जा सका। लगातार ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे टॉप 10 न्यूज़ चैनल को और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें।